दो बस, सिर्फ एक पट्टी ने सारे हाथ को खत्म कर दिया। तो ये सब के पास आजकल तो मोबाइल वाले हो, फालतू की चीजें भेजने से बढ़िया है जो फेसबुक पे है चाहे व्हाट्सएप पे कैसे ही हो, एक दूसरे के पास पहुंचा दो इसको। अगर हाँ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करो, जितना उसके समाज में फैलाओ। एक आदमी अगर ये बात 10 तक फैला देगा तो अगले 10 दिन में सभी के पास पहुंच जाएगी, किसी का हाथ या पैर नहीं कटेगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये इस माता का हाथ टूट गया था, मड़ा सा टूटा हुआ है, ये बिना किसी इलाज के भी जुड़ जाता, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन ये टाइट बांध दिया। ज्यादातर ये देसी बांध देते हैं, देसी से ही बंधवाया था ना ये, और ये देखिए इतना टाइट बांध दिया कि आगे खून का दौरा रुक गया, और ये यूं खून का दौरा रुक जाएगा और चिल्ली मारता है मरीज। आप लोग ये समझते हैं कि हाँ हड्डी सेट होने लग रही है, होने दो, दर्द तो हुआ ही करता है, और आप ना तो उसको दिखाते हैं ना ये पट्टी खोलते हैं। अगर आप नहीं खोलोगे 4 घंटे के अंदर ये मांसपेशियां सारी जल जाएंगी, मर जाएंगी, खून का दौरा ना रहने से फिर ये हाथ कटेगा। ये देख लो आपके आगे क्या हो रहा है, यही दिखा रहा हूं। तो सभी को भेजो, हर गांव में घर में सबको एक एक बार ये दिखाए, हाथ पैर टूट जाए तो टाइट ना बांधे, हर दर्द होए उंगलियां सूज जाए तो एकदम उस पट्टी को काट दो, कुछ ही बंध रहो, रुई भी मत छोड़ो, कोई कपड़ा कुछ भी, चाहे पट्टी बांध रखी है, चाहे धागा बांध रखा है, चाहे पट्टी बांध रखी है, कपास रुई भी लपेट रखी है उसको भी हटा दो, बिल्कुल खाल साफ रहनी चाहिए, और उस अंग को ऊपर उठा दो, उस अंग को ऊपर रजाई पे, तकिए पे, किसी चीज पे उठा दो, उंगलियां और पैर चलवाओ, थोड़ी सी देर में ये सोजन हट जाएगी और वो हाथ बच सकता है। लेकिन ये 6 घंटे के भीतर करोगे तो 6 घंटे से ऊपर हो गया फिर कोई नहीं बचा सकता, नहीं तो फिर ये हाल होगा। ठीक है, सब ने एक दूसरे को फैला देना है, समाज में सबके पास जाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताना, ताकि कल को किसी का हाथ सिर्फ इस बात के कारण ना काटना पड़े कि हमने बेरा नहीं था। ठीक है, चलो।